दिलवाएं मिलोर्ड, सीजीआई चंद्रचूड़ के पास पहुंची दिव्यांगों के आरक्षण की याचिका। दो दिव्यांगों को गोद लेने वाले चीफ जस्टिस का क्या रहा जवाब? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने विनम्रता और आम लोगों के प्रति दयालुता की वजह से जाने जाते हैं। ऐलानिया तौर पर कह चुके हैं, मेरे लिए कोई भी केस छोटा बड़ा नहीं होता, मेरा मुख्य उद्देश्य आम लोगों तक न्याय पहुंचे। उनकी दरियादिली का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, अपने बेटे होने के बावजूद दो दिव्यांग बच्चियों को गोद लिया और उसे अपने बच्चों से कम प्यार नहीं करते। कुछ दिनों पहले दोनों दिव्यांग बच्चों को सुप्रीम कोर्ट दिखाने भी आए थे ताकि बच्चों को विश्वास दिला पाएं कि आखिर चीफ जस्टिस अपने दिव्यांग बच्चों को वक्त क्यों नहीं दे पाते। और उस वक्त का दृश्य काफ़ी भावुक कर देने वाला था। दोनों बच्चियाँ दिव्यांग थी, व्हीलचेयर पर आई थी और अब दिव्यांग को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और बाकायदा उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुहार लगाई। चीफ जस्टिस ने क्या कहा, क्या कुछ फैसला ले सकते हैं, पूरा मसला क्या है, आपको बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर कहानी क्या है? दिव्यांग के लिए जिला न्यायपालिका की न्यायिक नियुक्तियों में 4% आरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने दिव्यांगों के लिए जिला न्यायपालिका की न्यायिक नियुक्तियों में 4% आरक्षण सहित अन्य राहत देने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका पहुंची थी। सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित कानून के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मौजूदा न्यायिक सेवा के नियमों को ठीक करने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले 2 याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक की दलीलों पर गौर किया। याचिका में कहा गया, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में दिव्यांग व्यक्तियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। वर्ष 2016 का कानून एक विशेष कानून है जिसने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के समझौते को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया है, जिसमें विशेष रूप से उनके सशक्तिकरण के लिए वहाँ निर्धारित सिद्धांतों के अलावा गैर भेदभाव और समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान है। वकील शशांक सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया, विधायिका ने यह उचित समझा कि वैधानिक प्रावधान के तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 4% से कम नहीं होगा। जनहित याचिका उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी रेंगा रामानुजम और बेंगलुरु सुमैया खान द्वारा दायर की गई। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर सीजीआई के पास पहुंची याचिका। याचिका में कहा गया, याचिकाकर्ता दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 33 के साथ पठित धारा 34 के आदेश के अनुसार अनिवार्य दिव्यांग कोटा के तहत जिला निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों उच्च न्यायालयों के मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों को सही करने या सुव्यवस्थित करने के लिए इस माननीय न्यायालय से प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए वर्तमान याचिका दायर करने के लिए बाध्य है। जनहित याचिका में कहा गया, निचली न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए कोटा 4% से कम नहीं होना चाहिए, जैसा कि अधिनियम की धारा जो है 134 के तहत अनिवार्य किया गया है।